नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशन एवं टीकाकरण अभियान में जिले के प्रभारी अधिकारी के रूप में कलेक्टर छतरपुर मोहित बुंदस की निगरानी में मीजल्स रूबेला टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय और प्राइवेट स्कूल में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 9 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीका लगाया जाता है। इसी क्रम में आज टीकाकरण अभियान के शहरी क्षेत्र के प्रभारी शैलेंद्र सिंह की निगरानी में छत्रसाल नगर के पास स्थित सन्मति विद्यालय में कक्षा प्ले से 10वीं कक्षा के बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर सन्मति विद्या मंदिर स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जी सर, ये आप किस स्कूल में आज आए हैं? ये हम लोगों का आज मीजल्स रूबेला टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है जी, उसके अंतर्गत आज ये सन्मति स्कूल विद्या मंदिर स्कूल छतरपुर जी, यहाँ पे बच्चों का 9 माह से 15 साल के बच्चों के लिए जो लगता है ये टीका जी, उसमें से आज यहाँ 10वीं तक के बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है जी। तो इसमें क्या क्या सावधानी बच्चों के साथ में बरतना पड़ता है? और ये मीजल्स रूबेला एक टीका लगता है जी दाहिने हाथ की चमड़ी में, जो कि दर्द रहित है और इस इंजेक्शन से कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अभी तक हमारे छतरपुर शहर में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को टीका लग चुका है। पूरे जिले में कम लगभग 1.5 लाख बच्चों को इंजेक्शन लग चुका है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। टीकाकरण के बाद जब बच्चों से पूछते हैं अपन कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं बहुत अच्छा लगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसमें हम अभी हमारे छतरपुर में लगभग 50,000 बच्चों का टारगेट है जी, और इसको 50,000 बच्चों का। ये कब तक कार्यक्रम सर ये चलेगा? ये फरवरी तक, अभी जो जैसा हमको मालूम है ये फरवरी तक तो चलेगा जी जी। इसके बाद क्या मतलब स्कीम है, क्या हर स्कूलों में फिर से जाएंगे या इस आगे बताएं सर? ये आप बता सकते हैं कि इसमें जैसे बच्चे बीमार होते हैं तो क्या उनको भी टीका लगाया जाता है? कैसे बीमार, जो मतलब बच्चे बीमार हैं या अस्वस्थ हैं तो भी टीका तो स्वस्थ बच्चों को ही लगाना चाहिए। अगर बच्चे बीमार हैं तो हम 1-2 दिन 3 दिन इंतजार कर लेंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद उनको लगा देंगे। तो ये टीका क्या इंजेक्शन के रूप में है या ड्रॉप के रूप में? टीके का मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन के रूप में। खबर समय जगत के लिए वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव, संभागीय ब्यूरो चीफ समय जगत। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।